हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये बेबी फ्रॉक बनाएंगे, सुंदर सा, प्यारा सा। और एक खास बात है कि इसमें हमें कोई कटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने कपड़े के ये दो पीस लिए हैं सेम साइज़ के। मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ कि इनकी विड्थ है 30 इंच और लेंथ है 20 इंच। अब हमें ऊपर की साइड से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है पूरे पर और इस वाले पार्ट पर भी। अब जिधर हमने सिलाई लगाई थी उधर हमें 1 इंच पर इस तरह से मार्क करना है और इन निशानों को आपस में मिला लेना है। सीधी लाइन खींच लेनी है 5 टाइम्स। इसी तरह से हम पिछले वाले पार्ट पर भी निशान लगाएंगे और उस पर भी इसी तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। दोनों पार्ट्स में निशान लगाने के बाद में अब हम इसमें लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक की लेंथ है 12 इंच। ये मैं 5 लास्टिक तो अगले वाले पार्ट में लगाऊंगी और 5 इलास्टिक में पिछले वाले पार्ट में लगाऊंगी। तो पहले हम साइड से 1-1 इंच सिलाई के लिए छोड़ देते हैं कपड़ा, इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी। ये दो पीस कपड़े के लिए मैंने, जिनकी लेंथ है 11 इंच और विड्थ है 3 इंच, तो इन्हें इस तरह से फोल्ड करने के बाद में एक सिलाई लगानी है और फिर इसे सीधा कर लेना है क्योंकि हम दोनों पार्ट्स में इसे अटैच करेंगे। अब अगले वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करना है और बीचों बीच एक निशान लगाना है और इसी निशान के दोनों साइड में 2 इंच पर इधर और 2 इंच दूसरी साइड 1-1 निशान और भी लगाना है।
पिछले वाले पार्ट पर भी इसी तरह से हम मार्क कर लेंगे। जिस तरह से हमने ऊपर की तरफ से कपड़ा फोल्ड किया था और एक सिलाई लगाई थी, उसी तरह से हम घेरा पर भी सिलाई लगा देंगे। और अब इसे साइडों से सील देते हैं और मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। हमारा बेबी फ्रॉक बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।